हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाई आज मैं द्योर शिव बाबा बालकनाथ मंदिर जा रहा हूँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। आप भी वीडियो के साथ बने रहिए और बाबा जी के दर्शन कर लीजिए। और भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, अभी बस आई नहीं है, थोड़ी देर में आने वाली है। और आज तो बारिश का मौसम भी बना हुआ है, तो देखते हैं। चलो वीडियो के साथ बने रहिए आप भी। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और बस 7 बजे आएगी, तो मैं अभी थोड़ा पहले पहुंच चुका हूं कि बस निकलना जाए इसलिए। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अभी तो नहीं लगी है बट सुबह से लगी हुई थी। ये वाला गेट जो है ये गसोता महादेव मंदिर के लिए जाता है, यहाँ से मेन होके जाते हैं गसोता महादेव मंदिर के लिए। और ये वाला जो है इसमें ये हमीरपुर को जाता है, ये वाला रोड। शायद हम इस वाले में जाएंगे, सोता महादेव वाले रोड से होके जाएंगे हम। गाइस मैं आपको बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के बारे में बताता हूँ। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में होती है पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं बकरे। और इस मंदिर से आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं गया जिसकी मन्नत ना हुई हो अभी तक पूरी। बाबा बालकनाथ जी के इस मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की होती है सारी मन्नतें पूरी। हिमाचल प्रदेश में जहाँ इतने सारे धर्म स्थल प्रतिष्ठित हैं, इनमें से एक है बाबा बालकनाथ जी का सिद्ध दिव्य शक्ति पीठ। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर द्योर सिद्ध में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का अंश अवतार भी माना जाता है। और बाबा बालकनाथ जी अल्प आयु में ही घर छोड़कर चार धाम की यात्रा करते करते शाह तलाई में पहुंच गए थे। और शाह तलाई में ही रहने वाली ही रत्नो माई, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना धर्म पुत्र बनाया। बाबा बालकनाथ जी ने 12 महारत्नो माई की गायें चराई। कहा जाता है कि एक दिन रत्नो माई ने गुस्से में आकर बाबा जी को रोटियों का ताना दे दिया था और बाबा जी ने पूरे 12 माह की लस्सी और रोटियां लौटा दी। फिर वहां के लोग और ऋषि मुनि इस चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। जब गुरु गोरखनाथ जी को बाबा जी की शक्तियों का ज्ञात हुआ तो वह बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहते थे और बाबा जी ने उनका चेला बनने से मना कर दिया, तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को ज़बरदस्ती अपना चेला बनाना चाहा। तो बाबा बालकनाथ जी मोर के ऊपर बैठकर शाह तलाई से धौलगिरी पर्वत पर पहुँच गए। यहाँ बाबा जी की सुंदर और पवित्र गुफा स्थापित है। आपको मंदिर के अंदर आते ही बाबा जी का धूना दिखाई देगा जो लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। महिलाएं इस धुने को दूर से ही देखती हैं और बाबा जी के दर्शन करती हैं। यहाँ महिलाओं का आना वर्जित है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की बाबा जी सभी मनोकामनाएँ पूरी करते हैं और यहाँ बाबा जी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और बाबा जी के दर्शन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस कमेंट में बताएं कि आप यहाँ पे आए हो बाबा जी के दर्शन करने के लिए, गए हो कभी, कि अभी आपने जाना है वहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अभी हम बाबा जी के मंदिर में पहुँचने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तेरी लगी परी तो बाबा तोड़ियो ना, तेरी लगी परी तो बाबा तोड़ियो। आई चुकी ले तू रोटियां 12 साल सांभी रखियां, ओ माई मेरी 12 साल नहीं खादियां। गाइज अभी मैं बाबा बालकनाथ मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंच चुका हूं, मतलब जो मेन गेट ऊपर जो चढ़ते हैं सीढ़ियों के ऊपर, वहां पे पहुंच चुका हूं मैं अभी।
दोस्तों भी हम पहुंच चुके हैं बाबा बालकनाथ मंदिर, काफी भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा। Thank you.
गाइस यहाँ दीवार पे लोगों ने अपने अपने नाम लिखे हैं दिल के अंदर। और गाइस अभी हमने बाबा जी का लंगर भी खाया और अभी हम घर को जा रहे हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय टाटा।